तो फाइनली भिड़े ने अपना डिसीजन बता दिया है कि अगर उसकी बात को सुनने के बाद जेठालाल ने कोई एक्शन ना लिया, यानी कि उसकी बात को सीरियसली ना सुना, तो भिड़े माधवी और सोनू गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। और भिड़े की ये बात सुनने के बाद सभी लोग काफ़ी शॉक्ड हैं कि आखिरकार भिड़े ऐसे कैसे गोकुलधाम सोसाइटी को छोड़ सकता है। वेल गाइस, यहाँ पर भिड़े के सोसाइटी को छोड़ने का रीज़न कोई भी वैलिड नहीं है, यानी कि भिड़े सिर्फ और सिर्फ खुद की वजह से ही सोसाइटी को छोड़कर जा रहा है। वेल दोस्तों, आपकी इन सब के बारे में क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ।